श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरुण रघुबर विमल यस जो दायक फल चार बुद्धहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या दे मोही हरहु कलेश विकार बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की बोलिए श्री हनुमंत लाल की। हाँ प्रिय बंधुजनों, अब हम आपके समक्ष राठौर कैसेट के माध्यम से ये दूसरा कार्यक्रम रखने जा रहे हैं, राम वनवास। इसमें आप देखेंगे कि भगवान राम अपने पिता के वचन को पालन करने के लिए वनवास कैसे जाते हैं। और सबसे पहले मैं आपके समक्ष एक भावना रख रहा हूं कि देखिए एक भारतीय नारी के कितने शुद्ध विचार हैं। कुसुमी रंग चादर रंगाई दे पिया, कुसुमी रंग चादर रंगाई दे पिया, बिन ओढ़े न माने हमारो जिया, बिन ओढ़े न माने हमारो जिया, कुसुमी रंग चादर रंगाई दे पिया। चारों कोनों में कृष्ण चतुर्भुज, कृष्ण चतुर्भुज, कृष्ण चतुर्भुज, चारों कोनों में कृष्ण चतुर्भुज, बाएं राधा सजाई दे पिया, कुसुमी रंग चादर रंगाई दे पिया, कुसुमी रंग चादर रंगाई दे पिया, बिन ओढ़े न माने हमारो जिया, बिन ओढ़े न माने हमारो जिया। हो 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 हो, मध्य में साहब ओम बना दे, मध्य में साहब ओम बना दे, ओम बना दे साहब, ओम बना दे, ओम बना दे साहब, ओम बना दे, ओम के अंदर राम सिया,
ओम के अंदर राम सिया कुसमी रंग चादर रंगाई दे पिया कुसमी रंग चादर रंगाई दे पिया बिन ओहे न माने हमारो जिया बिन ओहे न माने हमारो जिया माता दुर्गे ऊपर विराजे माता दुर्गे ऊपर विराजे माता दुर्गे ऊपर विराजे वाहन भी सिंह बनाई दे पिया वाहन भी सिंह बनाई दे पिया कुसमी रंग चादर रंगाई दे पिया कुसमी रंग चादर रंगाई दे पिया बिन ओहे न माने हमारो जिया बिन ओहे न माने हमारो जिया लक्ष्मण भरत विराजे दाएं में लक्ष्मण भरत विराजे बाएं शत्रुघ्न बजरंग पिया बाएं शत्रुघ्न बजरंग पिया कुसमी रंग चादर रंगाई दे पिया कुसमी रंग चादर आदिशक्ति संग शिव जी सो है आदिशक्ति संग शिव जी सो है दिन जो ओढ़े हुल से हिया दिन जो ओढ़े हुल से हिया कुसमी रंग चादर रंगाई दे पिया कुसमी रंग चादर रंगाई दे पिया कुसमी रंग चादर रंगाई दे पिया बोलो श्री रामचंद्र भगवान की बोलिए श्री हनुमंत लाल की। देखिए भगवान श्री राम आनंद सागर के समस्त सुखों को बटोर कर अयोध्या में वापस आ गए हैं और उस समय का आप दृश्य देखें आज वो दशरथ कितने भाग्यशाली हैं जो कि एक पुत्र के लिए परेशान थे लेकिन आज उनके घर में चार चार कुल वधुएं आई हुई हैं। हमारे गोस्वामी बाबा क्या लिखते हैं कि जब ते राम ब्याह घर आए जब ते राम ब्याह घर आए नित नव मंगल मोदु बधाए भगवान राम का विवाह हुआ है ना जिस समय माता कौशल्या के आंगन में चार चार कुल वधुएं आईं और माता कौशल्या ने जिस समय सभी बहुओं की परछन की ना जरा मां का भाग्य देखो मां बार बार बलिहार जाती है सभी बहुओं की परछन करती है कि राम दरस हित अति अनुरागी परिछन साज सजन सब लागी एही विधि सब ही देत सुख आए राज द्वार मुदित मातु परिछन करही बधुन समेत कुमार सेज रुचिर रथ राम उठाए प्रेम समेत पलंग पौढ़ाए मारग जात भयावन भारी
मारग जात भयावन भारी के विधि तात तारिका मारी। समस्त जो प्रश्न आदि कार्य होते हैं ना, उनको करने के पश्चात माँ कौशल्या ने पूछा, बेटा राम एक बात तो बताओ, हमने सुना है कि तुमने इन सुकुमार हाथों से इतनी भयानक तारिका का निधन कर दिया, कैसे किया, किस बलबूते पर किया? प्रभु ने कहा, माँ सब आपके चरणों के आशीर्वाद से किया। भगवान राम के पिता दशरथ कहते हैं, सुनो कौशल्या, एक बात सुन लो हमारी, कि आज से तुम जो हो ना, चार चार कुल वधुओं की सास बन गई हो। और जानती हो सास का धर्म क्या होता है? साथियों, आप देखते हैं कि देश के अंदर घर घर में सास और बहू का झगड़ा हमेशा होता रहता है। ऐसा क्यों? अगर दो बातें सास और बहू के बीच में आ जाए ना, तो शायद कभी भी सास और बहू का झगड़ा नहीं होगा। अगर सास इस प्रकार से अपनी बहुओं को मानने लगे और बहुएं भी अगर इस प्रकार से सास को मानने लगे, तो सास और बहू का झगड़ा हमेशा के लिए मिट जाएगा। सास को अपनी बहू को कैसे रखना चाहिए, ये बात महाराज दशरथ बताते हैं कौशल्या से। हे कौशल्या, आज से तुम पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई है कि परी लरी कनी बधु घर आए। बधू घर आई, राखे उनायन पलक की नाई। देखो, आज से तुम पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। सास को अपनी बहू को कैसे रखना चाहिए, कि जैसे हमेशा आंखों के अंदर दीदों की रक्षा करने के लिए पलकें तत्पर रहती हैं, तैयार रहती हैं, उसी प्रकार से बहू को हमेशा खुश रखने के लिए या बहू की रक्षा करने के लिए सास को हमेशा तत्पर रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। और बहू का धर्म क्या है? बहू का धर्म है कि जिस प्रकार वो अपने माता पिता से प्रेम स्नेह रखती है, उसी प्रकार से उसे अपने सास और ससुर से भी स्नेह रखना चाहिए, प्रेम रखना चाहिए। जब ये दोनों संबंध हो जाएंगे ना, पहले के जमाने में जब बहुएं अपने मायके में जाती थी ना, और माँ बाप पूछते थे कि बिटिया तुम्हारी सास कैसी है, तो अगर सास खराब भी होती थी ना, तो उसे लोग कह दिया करते थे ना, या बहुएं कह दिया करती थी, हमारी सास बड़ी अच्छी है। लेकिन आजकल की कल जुहैया बहुएं अगर अपने मायके में जाती हैं ना, और अगर उनसे उनकी माँ पूछे कि बिटिया तुम्हारी सास कैसी है, अगर सास एक इंच खराब होती है ना, तो चार इंच खराब बताती है। देखिए, एक आधुनिक बहू जो अपने मायके में पहुंची, उसकी माँ ने पूछा, बेटी तुम्हारी सास कैसी है, तो क्या बोली कि मैया सास निगोड़ी लड़ा करे, माँ सास निगोड़ी लड़ा करे। कहा, बेटी तुमको बड़ा सुख देती होगी। कहा, हाँ जानती हूँ कैसा सुख। मचिया पर मूर्ति ऐसी बैठ, बेबात की बात उठावती है, मिलिया केरा भोंकू जब बाजे, अंधियारे हमें जगावती है। उठी तो नथुनन का फुलाए, उनसे नाम कैसे ले, क्योंकि हमारे देश की परंपरा है ना, नारियां अपने पति का नाम नहीं लेती। मचिया पर मूरति ऐसी बैठ, बेबात की बात उठावती है, और मिलिया केरा भोपू जब बाजे, अंधियारे हमें जगावती है। ना उठी तो नथुनन का फुलाए, उनसे उनसे दुई की दस जड़ा करे, माँ सास निगोड़ी लड़ा करे। यानी हमें यह समझाना है कि सास और बहू का कर्तव्य क्या है। तो बातें
सास और बहू के मध्य में आ जाएंगी तो मेरे बंधुजनों हमारे देश का सुधार हो जाएगा। सास और बहुएं जो है ना कभी भी आपस में युद्ध नहीं करेंगी। महाराज दशरथ इस प्रकार से आनंद के समेत अपना समय बिता रहे हैं, लेकिन दोस्तों ना हमेशा सुख रहता है और ना ही हमेशा दुख रहता है। एक दिन महाराज दशरथ ने जिस समय शीशे में अपना मुख देखा और सर के सफेद बाल दिखाई पड़े, उस वक्त विचार करने लगे कि दशरथ अब तो तेरी वृद्धावस्था आ गई है, अब तुझे प्रभु का भजन करना चाहिए और राज जो है वो अपने बड़े बेटे राम को देकर तुझे वन में जाकर प्रभु का भजन करना चाहिए। प्रजा से आज परामर्श लेकर के और यह ऐलान कर दिया गया कि भाई राम का राजाभिषेक होगा। इधर तो देखिए घर घर में भगवान राम के राजाभिषेक की तैयारियां हो रही हैं कि घर घर में पूरे गए चौक बहुरंग पताका फहराई। द्वारे द्वारे पर कलश सजे बंधन वारे भी लहराई। चंदन फूलों के अर्क इत्र राहों पर छिड़के जाते थे, गलियों गलियों में स्वर्णाम्बर पाटंबर शोभा पाते थे। दशरथ से नृपति चक्रवर्ती फिर अवधपुरी सी राजधानी, जिस जगह सिंह बकरी दोनों पीते थे एक घाट पानी। ऐसे घर जब है राज तिलक तो शोभा कैसे वर्णन हो, दीपक से रवि की आभा का कहिए किस भांति प्रदर्शन हो। ऐसे सुंदर महाराज के यहां पर राज तिलक हो रहा है राम का, तो घर घर में खुशी का समाचार क्यों ना हो। सारी अयोध्या को दुल्हन की भांति सजाया गया, लेकिन साथियों मैंने आपसे पहले कहा है कि ना हमेशा सुख रहता है और ना हमेशा दुख रहता है। जिस प्रकार से सूर्य प्रातः काल निकलता है तो दिन हो जाता है, सूर्य ढलते ही रात आ जाती है, उसी प्रकार से जीवन के दो पहलू हैं, कभी सुख है कभी दुख है। जो महाराज दशरथ इस समय आनंद के सागर में डूबे हुए हैं, धीरे धीरे तकदीर उनका भाग्य उनको दुखों की तरफ लिए जा रहा है। कैकेयी सुमित्रा कौशल्या तीनों रानियां हैं, लेकिन इन तीनों रानियों में जो कैकेयी है ना वो महाराज की कुछ अधिक प्रिय है, और कैकेयी की एक सबसे प्रिय दासी थी जिसका नाम था मंथरा, और मंथरा जो थी ये कैकेयी के साथ में मायके से ही आई हुई थी। क्योंकि आजकल आप देखते होंगे जब बस कुछ माताएं अपनी बहुओं पर क्रोधित हो जाती है ना तो कहने लगती हैं अगर इतनी ही सुकुमारी थी तो अपने मायके से ना दास और दासियां लाई होती। तो पहले ऐसा होता था कि बड़े बड़े महाराज लोग जो हैं वो अपनी बेटियों के साथ में आजीवन के लिए कुछ दासियां भेज दिया करते थे कि ये जीवन भर तुम्हारी सेवा करेगी। कैकेयी के साथ में मायके से ही मंथरा आई हुई है। आज जिस समय मंथरा ने देखा कि पूरी अयोध्या में राम के राज तिलक की तैयारियां हो रही हैं, साथियों आज मंथरा को बड़ा ही क्रोध आया, यानी मेरे बेटे समान भरत को राज तिलक ना देकर कौशल्या के बेटे राम को राज तिलक दिया जा रहा है। ऐसी भावना उसके अंदर आती है, क्योंकि ये सब जब देवताओं ने माता सरस्वती का ध्यान किया तो माँ सरस्वती ने आकर के देवताओं की रक्षा के लिए, देवताओं के कार्य को सफल बनाने के लिए और मंथरा के सिर के ऊपर बैठकर उसकी भावना को बदल दिया। आज मंथरा पहुंचती है कहां? कैकेयी के पास।
बड़ा अजीब सा भेष बनाकर, और कहने लगी, रानी जी आप आनंद की नींद यहां सो रही हैं, लेकिन शायद आपको नहीं मालूम कि आपके जीवन में कौन सा विष घोला जा रहा है। कि बल कौशल कहीं देखना हो तो इन अबलाओं में देखो, रात ही रात में क्या होगा ये नृप के महलों में देखो। शोभा बिगाड़ने पहले तो नागिन राहों पर जाती है, फिर सिर के सारे बाल खोल डायन महलों में जाती है। आज मंत्रा ने अपना जीव भेष बनाया, बालों को बिखेर लिया, सिर के बाल खोल करके डायनों के समान जिस समय कैकई के पास पहुंची, कैकई ने देखा है ये तेरा रंग क्या है, हम सबने तो अपने शीश गुथाए हैं पर तूने आज अपने सारे बाल बिखेरे हुए हैं, तू रो रही है, सगुन शायद ये तेरा कैसा कुलक्षण दिखाई पड़ रहा है, कहीं झगड़ कर आई है, भूखी है अथवा प्यासी है, तुझको मेरी सौगंध, जल्दी बता दासी आज तेरे चेहरे पर उदासी क्यों है। या सुनते ही द्वेष की और बढ़ गई आग, फुंकारे देने लगी उठी नागनी आग। बोली देखो तो सही घर घर में है धूम, राज तिलक है राम का तुम्हें नहीं मालूम। अरे रानी जी आपको नहीं मालूम कि भगवान राम यानी राम के घर घर में राज तिलक की तैयारियां हो रही हैं। जिसका बेटा कल राज तिलक पर बैठेगा ना उसका मर्तबा बुलंद हो जाएगा। कि जिसका कल होगा राज तिलक मर्तबा बुलंद उसी का है। राजा भी जिसे चाहते हैं रानी या फंद उसी का है। कुछ तुम्हें दिखाई देता है ये खुशी नहीं है मातम है, बजते हैं जो ये नकारे आवाजों में इनकी गम है। खुल गए हैं भाग्य कौशल्या के है दया उसी पर विधना की। रानी किस घोर नींद में है अवलोक चाल निज राजा की। अरे रानी जी आपको शायद नहीं मालूम जिसके बेटे का राज तिलक होगा ना उसी की माँ का मर्तबा बुलंद हो जाएगा। धन्य है कौशल्या के भाग्य खुल गए, भगवान ने उसकी सुन ली, ब्रह्मा ने उसके भाग्य को खोल दिया। वास्तव में चौसर की बाजी में कौशल्या ने बाजी मार ली। आज जब ऐसी बातें सुनी कैकई ने कहा, री मंथरा आज तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया जो आज तू ऐसी उलझनपूर्ण बातें करती है। जब ही मंथरा के सुने ये विष भरे विचार, कैकई संभली उठी फिर बोली धिक्कार। कस के क्रोध में आकर कहती है, दुष्ट चांडालनी क्या तेरी मति मारी गई है जो स्वच्छ रुई की ढेरी में आज आग की चिंगारी बनकर आई है। अब के जो ऐसे वचन कहे तो तेरा मुंह नुचवा दूंगी। युवराज राम होगा जिस क्षण तो तुमको मुंह मांगा दूंगी।
चरी है मेरी, इस कारण पुरुष कारी आहले। कल है त्योहार हमारे घर, दासी उपहार हार आहले। अरे दासी, तूने ये सुंदर समाचार सुनाया है कि राम का राजतिलक होगा, ले मैं तुझे इस खुशी में ये इनाम में हार देती हूँ। मंथरा पीछे हटकर बोली, बस रानी जी बस, ये हार आपको ही स्वीकार हो, ये हार तुम्ही की शोभा हो। दासी न लाल चिन माल की है जीत राम की, और हार उस भोले भरत लाल की है। कुछ याद तुम्हें आता तुमसे, जब ब्याह किया था राजा ने, तेरा ही पुत्र नृपति होगा ये वचन दिया था राजा ने। आपको मालूम नहीं, जिस समय महाराज ने आपके साथ में विवाह किया था, उस समय आपको वचन दिया था कि हम दो वरदान देंगे, और आप उनकी चालाकी देखिए किस ढंग से पलटा खाते हैं। भरत और शत्रुघ्न को तो ननिहाल भेज दिया, और पीछे से चुपके से चाहते हैं ना कि भरत जो है ना अपना हक ना मांग पाए और राम को राजगद्दी दे दूं। उन महाराज की चाल रानी तुम नहीं समझ रही हो। मुझको समान है राम भरत, जब ऐसा कहा तो क्रोध में और फबक उठी। कई कहती है मंथरा, रानी ने फिर से कहा, और वो दुष्टा हो मौन, राजपाट की बात में तू होती है कौन। भोजा बदकार, मैं तुझसे ये कहती हूं कि राज्यपाट की बात तो मैं तुझको बोलने का क्या हक है। शायद तुझको ये नहीं मालूम कि मेरे लिए राम और भरत दोनों एक ही समान हैं। एक पेड़ की दो शाखाएं हैं, मुझ चिड़िया के वो दो पर हैं, वही दोनों मेरी आंखें हैं। यदि भरत राम से प्यारा है तो राम भरत से प्यारा है, गोदी का भरत दुलारा है तो राम नयन का तारा है। चुप हो जा, अगर भरत गोदी का दुलारा है तो राम हमारे नयनों का प्यारा है। दासी बोली, नहीं तुम समझी मेरी पीर, नेकी करते हैं बदी फूट गई तकदीर। क्या गरज पड़ी ऐसी मेरी जो अपना मुंह नुचवाऊंगी, दोनों में कोई राजा हो मैं दासी ही कहलाऊंगी। चाहे राजा भरत बन जाए और चाहे राजा राम बन जाए, लेकिन मेरे लिए दोनों एक ही बराबर, मुझको दासी ही रहना पड़ेगा, कोई मुझको रानी नहीं बना देगा। लेकिन मैंने भरत को बचपन से गोद में खिलाया है, जीवन भर आपके साथ निभाया है, आपके मायके से आई हूं ना, इसीलिए आपके साथ में ये धोखा होते हुए देखा नहीं जाता। आज नमक जो है वो बार बार पुकार रहा है कि अपने मालिक के साथ नमक का हक अदा करो। साथियों, एक कहना है कि अगर आप किसी का घर फोड़ने पर ही आ जाए ना, लोग कहते हैं कि कोई गीली लकड़ी हो ना जल रही हो, लेकिन जब उसमें आप 100 फूके लगाएंगे तो 100 फूकों के जोर से गीली लकड़ी भी जलने लगेगी। उसी प्रकार से किसी का कितना भी सुंदर घर हो, लेकिन अगर कोई उसके अंदर कुमति फैलाने पर ही आ जाए तो एक समय वो आ जाएगा कि वो व्यक्ति कुमति के चक्कर में फंस ही जाएगा। वही हाल आज कैकई के साथ हुआ। मंथरा की इन कुटिल बातों से आज कैकई जो है ना बेचारी अपने को न बचा सकी, हृदय में भाव आ गया। ये सत्य है, महाराज मेरे भरत के साथ में अन्याय कर रहे हैं। अच्छा ये तो बताओ, मैं ऐसा कौन सा उपाय करूं जिससे कि मेरे बेटे भरत को राज मिल जाए। पलटा खाया समय ने पलट गई तकदीर, दोनों ऐसे मिल गई हुई सरकरा छीर। आपस में मंथरा और कैकई की वही दशा हो गई जैसे दूध और शक्कर आपस में मिल जाते हैं। हंस करके कहती है मंथरा, सुनो रानी, तुमको भवन में जाकर
और महाराज से दो वरदान मांगना। कौन से दो वरदान? एक वरदान में भरत को राज्य, दूसरे वरदान में राम के लिए 14 वर्षों का वनवास। और एक बात का ध्यान रखना, क्योंकि महाराज दशरथ भगवान राम से बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए सबसे पहले राम की सौगंध उनसे खिलवा लेना। भूपति राम शपथ जब कराई, भूपति राम शपथ जब कराई, तब मांगे हूँ जेही वचन न कराई, महाराज दशरथ से पहले सौगंध खिलवा लेना, उसके बाद में मांगना। और जानतो क्या मांगना? कि कहना दो वचन मांगती हूं राजा श्री भरत लाल जी हो, चौदह वर्षों को रामचंद्र, चौदह वर्षों को रामचंद्र तपसी बनकर वनवासी हो, हो गया विचार बन गया। कई कोप भवन में जाकर लेट गई। कोप भवन मतलब गुस्से वाला कमरा। साथियों, पहले बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं के यहां ऐसा हुआ करता था ना कि वो लोग अपने यहां पर एक गुस्से वाला कमरा बनवाते थे। जैसे आजकल देखें आप घर में कोई परिवार के अंदर यदि क्रोध में हो जाए, गुस्से में हो जाए, तो मालूम ही नहीं पड़ता कौन भाई गुस्से में है और कौन प्रसन्न है। लेकिन पहले एक नियम था, घर के अंदर एक घर ऐसा बनाया जाता था, एक कमरा ऐसा बनाया जाता था कि यदि घर का कोई व्यक्ति नाराज हो जाए तो उस कमरे में जाकर लेट जाए, बैठ जाए, तो पूरे घर के लोग समझ जाएंगे आज वो को भवन के अंदर है, गुस्से वाले कमरे के अंदर है। और लोग समझ जाते थे ये नाराज है, उससे पूछा जाता था तुम्हारी समस्या क्या है, आप क्यों परेशान है, क्यों नाराज। कह कई को भवन में जाकर लेट गई। इधर देखिए राम के राज्याभिषेक की तैयारियां हो रही हैं और उधर कैकेयी को भवन में लेती हुई है। जिस समय महाराज दशरथ को यह सूचना मिली कि कैकेयी को भवन में विराजमान है, घबरा गए, धीरज छोड़ करके गए, हे नाथ ये क्या हो गया, कैकेयी आज को भवन में? रानी में पूरी तरह भड़की जब ये आग, अनशन पाटी ले पड़ी दिया अन्न जल त्याग, कई को भवन में लेटी है। लेकिन को भवन के अंदर उसका रूप कैसा है, जरा इस चीज का अनुभव करें। कि कर दिए वस्त्र सब तार तार, लटके मोती जंजाल हुए, बाली में झुमके उलझ गए, बाली में झुमके उलझ गए, चोटी के बाल बवाल हुए, लाल मांग
रंग अब आँखों में काजल ने काले गाल किए, श्रृंगार दान पर तेल पड़ा, कंघी ने दांत निकाल दिए। मिसी ने होठ किए काले, मिसी ने होठ किए काले, भौं टेढ़ी कुटिल कराल हुई, सर की सारी सारी सर की, सर की सारी सारी सर की, भूचाल श्वास की चाल हुई, दासी की हवा बदलते ही, दासी की हवा बदलते ही, रानी पतझड़ हो गई है, रानी पतझड़ हो गई। आज ये दशा है कह गई कि महाराज जब को भवन में पहुंचे तो आज पूछते हैं कह कहीं से कि समय नरेश प्रिया पही गयउ। आज पूछते हैं हे प्राण प्रिय, अरे इतना तो बतलाओ, घर घर में आज खुशियों का त्योहार मनाया जा रहा है, घर घर में खुशियां मनाई जा रही हैं, राम का राज तिलक होने जा रहा है, और तुमने ये कैसा भेष बना रखा कि हे प्राण प्रिय है ये क्या, बोलो तो ढंग बेढंगा क्यों। हाय प्राण प्रिय है ये क्या, बोलो तो ढंग बेढंगा क्यों, और बेवक्त फूल से, बेवक्त फूल से मुखड़े का हो रहा मलिन रंग है क्यों। खोने हो त्रास दिया, वे आंखें फुड़वा दूंगा मैं, और जो जिभ्या कड़ुआ बोली हो, जो जिभ्या कड़ुआ बोली हो, वहा जिभ्या कटवा दूंगा मैं। क्यों बिखरे हैं हो, लटके मोती क्यों बिखरे हैं, मन मार मार क्यों मचला है, बढ़ गई मांग उलझन में हो, बढ़ गई मांग उलझन में हो, का कुल रंग बदला हो। और क्यों कोप भवन में बैठी हो, क्यों भारी तुमको पल पल है, जो तुम्हें प्राण से प्यारा है, जो तुम्हें प्राण से और प्यारा है, उसका अभिषेक दिवस कल है। उठो सोला श्रृंगार करो,
क्यों धूल धूसरित हो रानी, क्या संकट है क्या पीड़ा है, क्या संकट है क्या पीड़ा है, क्या इच्छा है माँ गोरानी। अरे तुम्हारे मन में कोई इच्छा हो, कुछ मांगना हो तो मांगो ना, क्या चाहिए तुमको। आज फुमकारियां भरती हुई कहने लगी, महाराज मांगने के लिए कहते हो, देख लिया आप कितना देने वाले हैं। कि मांगू मांगू पई कहा उपिय, कबहु न देहु न लेहु, देन कहु वरदान दुई तेहु पावत संदेहु। अरे आप हमें क्या देंगे, जाइए महाराज मुंह देखी बातें मत कीजिए, आज हमको आप चिकनी चुपड़ी बातें बताने आए हैं। मैं समझ गई हूं कि आप मुझे कितना चाहते हैं। मैं कौन तुम्हारी होती हूँ, क्यों मुझे सताने आए हो, और मन में रखते हो स्वार्थ भाव, प्रत्यक्ष मनाने आए हो। जग में कौन हुआ किसका, सब मुंह देखे की चाहत है, है वही तुम्हारी प्राण प्रिया, जिससे पूरी अपनायत है। तुम कहते हो मांगो रानी वा, जान मांग पर मिटती है, बिन मांगे मोती मिलते हैं, मांगे से भीख न मिलती है। अच्छा जो मांग शीश पर है, देखिए मांग क्या देती है, बिखरे बालों को मांग सदा हाथों से बंधवा देती है। तो उत्तर में नृप ने कहा कि धन्य तुम्हारा ज्ञान, तुम अपनी ही मांग का करती हो अपमान, सम्मान मांग का रानी जी पूछो अपनी इन पटियों से, प्रियतम की प्रिया इसी से हो, भरती हो इसे मोतियों से, ऐसे वैसे से मत मांगो, मांगो जो उससे पूरा हो, जो सदा मांग का प्रेमी हो, जो सदा बात का सच्चा हो। अच्छा ये कविता जाने दो, बतलाओ तो क्यों फूटी हो, तुम तो फूलों सी हंसती थी, इस समय क्या हुआ रोती हो। महाराज की बात सुन उठ बैठी बेपीर, भौहों पर बल आ गए ओ संभाले तीर। आज भौओं को सिकोड़ करके चेहरे पर बल लाते हुए कहकई कहती है, स्वामी सुनो हम क्या मांगते हैं, और हमने ये सुना है कि रघुवंशी हमेशा सत्यवादी होते हैं, और आप भी ये कहते हैं कि रघुकुल रीत सदा चली आई। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाही पर वचन न जाई। महाराज दशरथ कहते हैं कई कई, हम रघुवंशी हैं, हम सत्यवादी हैं, सत्य का पालन करने वाले हैं, और हमारा हमेशा ये नियम रहा है, हमारे वंश की ये परंपरा रही है कि चाहे हो जाए मित्र शत्रु, चाहे संसार पलट जाए, चाहे हो जाए
और चाहे संसार पलट जाए, सिर कट जाए तो कट जाए, सिर कट जाए तो कट जाए, पर वचन नहीं जाने पाए। कुछ ध्यान तुम्हें है, तुम पर है मेरे दो दो वरदान प्रभु, और वाही मेरे धन मुझको दो, बनते हो यदि धनवान प्रभु। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, केवल दो वरदान चाहिए जो आपने दो वरदान हमको देने के लिए कहे थे। कौन दो वरदान? जिस समय महाराज दैत्यों से युद्ध करने के लिए गए हैं महाराज इंद्र की तरफ से, और जब रथ के पहिए में कैकेयी ने अंगुली लगाई है, महाराज ने प्रसन्न होकर के कहा कि हम तुमसे बड़ा प्रसन्न हैं, दो वरदान मांगो। कैकेयी ने कहा, स्वामी जब आप ही मेरे हैं तो वरदानों को लेकर क्या करूंगी। कहा, नहीं, हम रघुवंशी हैं, जो कह दिया वो तुम्हें मांगना पड़ेगा। कहा, ना ठीक है, अगर आप देनी चाहते हैं तो ये वरदान हमारे उधार रहे, जब कभी मुझे जीवन में आवश्यकता होगी तब मैं मांग लूंगी। आज उन्हीं वरदानों का ध्यान दिलवा रही है कैकेयी, नाथ मुझे वही वरदान चाहिए। अरे कैसी बातें करती हो, दो वरदान ले लो, दो की जगह चाहो चार ले लो। आज मैं बड़ा प्रसन्न हूं कि मेरा पुत्र राम युवराज बनने जा रहा है, जो भी इच्छा हो मांगो, क्या तुम्हारी इच्छा है? रानी बोली, व्यर्थ ये सब नकली सब जोश, हो जाते हैं समय पर बड़े बड़े खामोश। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? कहा, ऐसे नहीं मांगेंगे, पहले आप राम की सौगंध खाएं, तब हम आपसे मांगेंगे। चिकनी चुपड़ी बातें कहकर मुझे अबला को मत बहकाओ, और सच्चे हो हे रघुवंशी, सौगंध राम की खा जाओ। सच्चे हो हे रघुवंशी तो सौगंध राम की खा जाओ। राजा बोले, किस लिए बढ़ा रही हो रार, तुम ही कहो मेरा रहा झूठ कभी व्यवहार। हे रानी तुम बताओ, क्या हम रघुवंशियों की कभी यह परंपरा रही है कि जो हमने कहा है उसे न किया हो? रानी बोली, ठीक है ये शपथ महान, अब मुझको विश्वास है पाऊंगी वरदान। तो सुनिए महाराज, हम कौन सा वरदान मांगते हैं? किलो सुनो प्राण प्रति प्राण नाथ, ये था थी आज मांगती हूं, कौशल्यानंदन के बदले निज सुत को राज मांगती हूं। सो सुन लो, कंपित मत होना, क्षत्रिय नरेश कहलाते हो तो सत से विचलित मत होना। राजा जो राम हो रहा है वह राजा नहीं उदासी हो, कल ही से चौदह वर्षों को तपसी बनकर बनवासी हो। हे महाराज, आप सुने कि हम आपसे क्या मांगते हैं। महाराज दशरथ से आज कैकेयी मांगती है, सुना हूं प्राण प्रिय भावत जी का, सुना हूं प्राण प्रिय भावत जी का, दे
घर तहिली का तापस भेष विशेष उदासी उदासी चौदह बरस राम बनवासी राम के लिए 14 वर्षों का वनवास दिया जाए जिन राम का राजतिलक होने जा रहा है स्वामी उन राम को 14 वर्षों के लिए वनवास और मेरे बेटे भरत को राज तिलक दिया जाए। प्राणेश प्यार सच्चा हो तो प्यारी के सम्मुख मुख खोलो प्रणवीर अगर कहलाते हो तो बोलो एव मस्त बोलो। ओह शब्द या थे नहीं थे जहरीले बाण और किए जिन्होंने नृपति के क्षण में व्याकुल प्राण उन सीधे साधे राजा का मस्तक घूमा इन बातों से। पल भर को आंखें बंद हुई सिर थामा दोनों हाथों से मूर्छित होने को थे लेकिन सतबल ने बल तत्काल दिया पृथ्वी पर गिरने वाले थे धीरज ने किंतु संभाल लिया। सोचा ये फल है कर्मों का अबला से अनुचित नहीं हुआ यही विचार कर रघुवंशी आसन से विचलित नहीं हुआ। नारी जब प्रकृति रूपणी है नाना प्रपंच कर सकती है पर जागृत आत्मा के मन में भ्रम तिमिर नहीं भर सकती है। महाराज बेदम होकर गिर जाते हैं। अरे रानी चलो ठीक था नहीं राम को तो भरत को ही राज तिलक मिल जाए लेकिन तेरे हृदय में यह भावना कैसे आई कि राम को 14 वर्षों का वनवास दिया जाए। हे भामने मैं सत्य कहता हूं ध्यान रख कि अगर राम वनवास चला गया तो इस दशरथ के प्राण नहीं बचेंगे। कहाऊ सुभाऊनी छल मन माही जीवन मोरू राम बिनु नाही। कहाऊ सुभाऊन छल मन माही जीवन मोरु राम बिनु नाही। मांगू माथु अब ही देहु तो ही
राम बिरह जनिमा रस मोही भरत दुई आखी मोरे राम भरत दुई आखी सत्य कहाऊं कर संकर सखी मोरे राम भरत दुई आखी मोरे राम भरत दुई आखी सत्य कहूं कर संकर सखी अरे मैंने कभी भी अपनी आंखों में ये भावना नहीं बनाई मति मेरी एक आंख मेरा बेटा भरत है तो हे रानी मेरी दूसरी आंख मेरा बेटा राम है तेरे हृदय में ये भावना कैसे आ गई कि मेरे लिए राम और भरत अलग अलग हैं पहला जो वर मांगा तूने वो नहीं हुआ है भार मुझे मिल जाए राज भरत ही को उत्साह सहित स्वीकार मुझे पर राम बनों में बास करे फिर भी वो 14 वर्षों को इससे क्या तूने सोचा है मैं समझ न पाया भेदों को रानी ले राज भरत जी को पर और क्रूर व्यवसाय न कर है राम गौसा दया पात्र उस पर इतना अन्याय न कर रानी रानी ये तेरा पति जो तेरा पूज देवता है अरे रानी रानी या तेरा पति जो तेरा पूज देवता है इस समय पाम पड़ कर तेरे बस इतनी भीख मांगता है तपसी होकर भी अरे दूर न हो मुझसे आनंद धाम मेरा मेरी इन बूढ़ी आंखों के मेरी इन बूढ़ी आंखों के आगे ही रहे राम मेरा वाक्य नहीं थे भूप के और थे आकर्षण मंत्र छिन्न भिन्न करने लगा रानी का खड्यंत्र महाराज के आज ही वचन नहीं थे ऐसा मालूम पड़ रहा था जैसे नेत्रों से आंसू बनकर ये हृदय की भावनाएं निकल रही हूं एक मिनट के लिए महाराज की भावना को देखकर कैकई का मन भी विचलित हो उठा कि नहीं मांगूंगी राम के लिए वनवास नहीं मांगूंगी लेकिन तब तक दीवार से छिपी हुई वो मंथरा आंखें दिखाती है हे रानी यही वक्त है यही समय है अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करवाने का सावधान हो जाओ कहीं ऐसा ना हो महाराज के वचनों में फंस जाओ रानी संभली बोल उठी राजा ये ही आन और कहो डगमगाने लगे जब मांगे वरदान महाराज क्या कर रहे हो आज या तो हमसे कहो कि जो हमने वचन दिए हैं उसे पूरा करेंगे वरना छाड़ू वचन की धीरज धरहू छाड़ू वचन की धीरज धरहू जनिय बलाजिम करुणा करहू
तेज धरहू जनिया बलाज में करना करहू। महाराज या तो अपना वचन पालन करो वरना औरतों के समान ये रोना धोना बंद कर दो, क्योंकि औरतें बनावटी रुवाई ही रोती हैं। ये सुनते ही उसी क्षण उबले कोसल राज, बोले बस बस हो चुका जो होना था आज। ओ नीच बुद्धि वाली नारी, अरे ऊंचे से हमें गिराती है। जो सत्य हमारा जीवन है उससे तू हमें डिगाती है। हम सूर्य वंश की चादर में काली माँ नहीं आने देंगे, काली माँ नहीं आने देंगे। सुनती है सर्वस देंगे हम पर वचन नहीं जाने देंगे। क्या उलझन है वरदान न दे तो धर्म हमारा जाता है। उस ओर राम बन जाता है तो प्राण सिधारा जाता है।